साहब मेरी बहू कई युवकों से बात करती है, मना करने पर दिखाती है तमंचा, आप बीती सुन पुलिस भी आ गई सकते में। गाजियाबाद में मोदी नगर के भोजपुर के कस्बा फरीदनगर स्थित एक गांव निवासी वृद्धा की शिकायत के बाद थाना पुलिस ने पुत्र वधु को तमंचा और दो कारतूस सहित किया गिरफ्तार। वृद्धा का आरोप है कि उसकी पुत्र वधु कई युवकों से बात करती है, मना करने पर तमंचा दिखाकर धमकाती है। पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद होने पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव निवासी वृद्धा ने बुधवार को थाने पहुंचकर आपबीती बताई। अपनी पीड़ा बताते हुए वृद्धा रोने लगी। वृद्धा ने बताया कि पुत्र वधु को कई बार समझाया गया मगर वह उनकी बात को नहीं मानती है, उल्टा तमंचा और दिखा भयभीत करती है। वृद्धा की बात सुनकर पुलिस सकते में आ गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी ली। एसीबी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि वृद्धा की सूचना के बाद पुत्र वधु से तमंचा और दो कारतूस बरामद कर लिए गए। इसके अलावा एक गांव निवासी किशोरी को अगवा करने के मामले में पुलिस ने मेरठ के प्रतारपुर निवासी आरोपी अक्षय को गिरफ्तार किया। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था।